हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए थे, और इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 मोर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि BBA, MBA या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UPSC, ALC की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास HRM या फिर लेबर लॉ सब्जेक्ट है, वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। पिछली वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस बताए थे, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। अकॉर्डिंग टू कर्ट लुइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग चेंज। ये क्वेश्चन बताया था, कर्ट लुइन ने एक मॉडल दिया था, 3-स्टेप मॉडल ऑफ चेंज। तो उसमें से कौन सा कंपोनेंट इस मॉडल का नहीं है, वो आपको चूज़ करना है। कंपोजिंग, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग या फिर रिफ्रीजिंग। हमारा आंसर है ए, कंपोजिंग। कंपोजिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कर्ट लुइन 3-स्टेप मॉडल ऑफ चेंज। कर्ट लुइन ने एक मॉडल दिया था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं, तो उन्होंने 3 स्टेप्स बताई थी, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रीफ्रीजिंग। जब भी हम किसी एम्प्लॉइज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, तो हम कौन सी स्टेप्स फॉलो करें, तो सबसे पहली स्टेज है जो, वो है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग में क्या होता है कि हमें एम्प्लॉइज़ को अवेयर कराना पड़ता है, उन्हें रेडी करना पड़ता है चेंज लाने के लिए। इस स्टेज में एम्प्लॉइज़ को हमें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होता है, उसके लिए हमें अवेयर कराना पड़ता है कि हमें ये चेंज लाना कितना ज़रूरी है। हमें उनके साथ एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ता है, जिससे कि एम्प्लॉइज़ के अंदर कोई डर, कोई फियर ना रहे। दूसरी स्टेज आती है चेंजिंग। चेंजिंग में एक्चुअली वो स्टेज होती है जब एम्प्लॉइज़ अपने अंदर चेंज ला रहे होते हैं। जब वो चेंज हो रहे होते हैं, तो उस स्टेज में उनके अंदर कई डर होते हैं, कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो उन सबको दूर करने के लिए हमें उनके साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली रखना पड़ता है। लास्ट स्टेज है रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग में क्या होता है, रीफ्रीजिंग में एम्प्लॉई जो है वो चेंजिंग स्टेज से बाहर आ चुका होता है, और वो जो भी चेंज हमें लाना था उस चेंज के साथ वो फैमिलियर हो चुका होता है। मीन्स अगर पहले हम लोग मैनुअली वर्क करते थे, और कंप्यूटर्स के आने के बाद सभी को कंप्यूटर सीखना पड़ा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी इस टाइम की, तो जब वो सीख जाते हैं, जब वो चेंजिंग स्टेज से बाहर आ जाते हैं, तो वो उन टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर हो चुके होते हैं। तो ये स्टेज होती है रीफ्रीजिंग, ठीक है। तो ये 3-स्टेप मॉडल दिया था कर्ट लुइन ने 1950s के टाइम पे, जो कि अभी भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि उस टाइम पे था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीएस्ट स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। सबसे पहला जो स्कूल था, जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज जब आई थी, तो सबसे पहला कौन सा था, ये आपको बताना है। हमारा आंसर है ए। इन जो थ्योरीज में जो भी हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जो पहला था ह्यूमन रिलेशन स्कूल, ये अर्लीस्ट स्कूल था ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट करेक्ट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब हम करते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। जॉब एनालिसिस इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए जॉब। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्पेसिफिक
जॉब, ये भी बिल्कुल सही है। जॉब इवेल्यूएशन क्या होता है? इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द जॉब समरी, जॉब टाइटल, सुपरविजन एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ ए जॉब। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये जॉब एनालिसिस के बारे में है, ना कि जॉब इवेल्यूएशन के बारे में। जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटी नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब प्रॉपरली। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी। जॉब इवेल्यूएशन होता क्या है? इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू या वर्थ ऑफ ए जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कई तरह की जॉब होती हैं तो हम उसको क्या कंपेरिजन करते हैं कि उस जॉब की वैल्यू क्या, वर्थ कितनी है दूसरी जॉब से। तो इसको कहते हैं जॉब इवेल्यूएशन, इवेल्यूएट करना, कंपेयर करना दूसरी जॉब्स के साथ। ठीक है, तो जॉब इवेल्यूएशन क्या है? कंपेरिजन है। जॉब एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती? जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन होता क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू वर्किंग कंडीशंस, जॉब ड्यूटीज़, मशीन्स टू बी यूज्ड, हजार्ड्स, जो भी जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जॉब का टाइटल क्या होगा, जॉब की लोकेशन क्या होगी, समरी क्या होगी, रिपोर्ट कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा? क्वालिफिकेशंस, क्या हमें ज़रूरत होंगी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ट्रेनिंग कौन सी, किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रिक्वायरमेंट होंगी, सेंसरी डिमांड्स क्या होंगी। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द मल्टीपल मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसकी जो मल्टीपल मैनेजमेंट टेक्निक है वो किसने दी थी, ये आपको बताना है। इसका आंसर है ए, चार्ल्स पी मैकॉर्मिक ने ये टेक्निक बताई थी। इस टेक्निक में क्या होता है? अ जूनियर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इज़ मेड टू लर्न द स्किल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें एक जूनियर बोर्ड बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव्स का, और उन वो स्किल्स सीखते हैं जो कि वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो भी स्किल्स हैं वो सीखते हैं जूनियर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। कैसे सीखते हैं? मेजर प्रॉब्लम्स आर एनालाइज्ड बाय जूनियर बोर्ड, जो भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो जूनियर बोर्ड को दी जाती हैं, और रिकमेंडेशंस गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो भी वो रिकमेंडेशंस, जो भी उसके प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सजेस्ट करते हैं। दिस इज़ बेनिफिशियल टू जूनियर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एज दे लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ये जूनियर बोर्ड के लिए कैसे बेनिफिशियल है? क्योंकि वो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है? क्योंकि उनकी जो भी वैकेंसीज आगे होंगी तो वो मेंबर कहाँ से सेलेक्ट होगा? वो जूनियर बोर्ड से ही सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन मैनेजर। जो भी लाइन मैनेजर्स होते हैं उनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको बतानी है। डेवलप पर्सनल प्लान्स, शोइंग प्रमोटेबल एम्प्लॉयज, नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, प्रिपेयर ट्रेनिंग मटेरियल एंड ओरिएंटेशन डॉक्यूमेंट्स एंड आउटलाइंस, ये भी रॉन्ग है, असिस्ट जॉब एनालिस्ट बाय लिस्टिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब इन क्वेश्चन, ये बिल्कुल राइट है, कंडक्ट ऑफ जॉब इवेल्यूएशन प्रोसीजर्स एम्ड एट डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब इन द फर्म, ये भी रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर क्या है? सी। लाइन मैनेजर का क्या काम होता है? वो असिस्ट करता है
जॉब एनालिस्ट बाय लिस्टिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब इन क्वेश्चन। वो क्या कहता है, तो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करता है, ठीक है। लाइन मैनेजर का ये काम होता है, बेसिकली लाइन मैनेजर जो भी स्टाफ होता है उसको असिस्ट करता है, उसको डायरेक्ट करता है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू इम्प्रूव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स ऑफ द मैनेजर्स। कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये ट्रेनिंग होती है? ह्यूमन रिलेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा आंसर है ए। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है साइकोलॉजिकल टेक्निक है, एक इन विच इंटेंसिव ग्रुप डिस्कशन एंड इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बना देते हैं और उसमें उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है, कोई भी जनरल टॉपिक, और उस पर वो एक इंटेंसिव डिस्कशन करते हैं जिससे कि वो एक दूसरे के बारे में अच्छे तरीके से जान सकें, उनके साथ फेमिलियर हो सकें। यूज़ टू इंक्रीज इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। ये ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है, जिससे कि इंडिविजुअल्स जो भी हैं वो अपने बारे में भी जान सकें और दूसरों के बारे में भी जान सकें। तो ये ह्यूमन रिलेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा नहीं इंक्लूड है वो आपको बताना है। आंसर इज बी, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, ये नहीं आता है, बाकी ये तीनों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इज अ समरी कंपोजिट मेजर ऑफ कंट्रीज एवरेज अचीवमेंट इन थ्री बेसिक एस्पेक्ट। किसी भी कंट्री को जब हम एक एवरेज अचीवमेंट देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो हम ये तीन चीज़ें देखते हैं, हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो भी वहाँ के जो भी सिटीज़न हैं उनकी हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उसके बेस पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का है को मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। कॉन्ग्लोमेरेट इन बास्केट एक्सरसाइज, असेसमेंट सेंटर्स, वर्क सैम्पलिंग। तो कौन सा करेक्टली मैच है, हम अपना आंसर पहले देख लेते हैं फिर आपको इसके बारे में बताती हूँ। हमारा आंसर है सी, असेसमेंट सेंटर्स, यूज्ड इंक्रीजिंगली एज ए सेलेक्शन टूल। असेसमेंट सेंटर कहाँ पे ये यूज़ होता है, एक सेलेक्शन टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट क्या है, कॉरपोरेशन है दैट इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट समटाइम्स अनरिलेटेड बिजनेस। एक कोई कंपनी है, कोई जैसे कि रिलायंस है, तो उसके कई सारे अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं और वो रिलेटेड भी हो सकती हैं और अनरिलेटेड बिजनेस भी उसका हो सकता है। जैसे कि वो क्लोथ्स भी बनाती है, वो मोबाइल भी बनाती है और बाकी चीज़ें भी वो प्रोड्यूस करती है, तो ये अलग अलग टाइप के बिजनेस करते हैं, तो इनको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। इन बास्केट एक्सरसाइज क्या है, इन बास्केट एक्सरसाइज इज़ अ टेस्ट यूज्ड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट इन हायरिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयज। इसमें क्या करते हैं, किसी एम्प्लॉयज़ को कई सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ दे दिया जाता है और उसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से उन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो इसके बेस पे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट है या फिर कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, टेस्ट करती हैं जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको। वर्क सैम्पलिंग क्या है, द स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स इन वेरियस डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ
एक्टिविटी। इसमें हम टाइम देखते हैं, कैसे देखते हैं, डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, प्रोपोर्शन देखते हैं कि वो किस तरीके से अपना किस तरीके से काम कर रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। वेरियस डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी में कितना टाइम उसने खर्च किया, उसका हम एक प्रोपोर्शन निकालते हैं। जैसे कि सेटिंग अप ऑफ ए मशीन, असेंबलिंग टू पार्ट्स, आइडल एक्सेट्रा। अब हम कोई एम्प्लॉई है, उसको हमने दे दिया कोई मशीन, उसको सेट करनी है, तो वो कितना टाइम उसमें लगा रहा है, उसके पार्ट्स को असेंबल करने में, उसको बनाने में, अलग अलग चीज़ों का हम मेज़रमेंट करते हैं कि कितना टाइम वो ले रहा है उस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। हु अमंग द फॉलोइंग ओपेंड दैट नेचुरल जस्टिस इज़ अ ग्रेट ह्यूमनाइजिंग प्रिंसिपल इंटेंडेड टू इन्वेस्ट लॉ विथ फेयरनेस एंड टू सिक्योर जस्टिस एंड ओवर द ईयर्स इट हैज़ ग्रोन इंटू अ वाइडली परवेसिव रूल अफेक्टिंग लार्ज एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। नेचुरल जस्टिस के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और ये जो भी स्टेटमेंट है ये किसने दिया था ये आपको बताना है। डी, जस्टिस पी एन भगवती, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो एक नेचुरल जस्टिस है वो कैसे होता है। ग्रेट ह्यूमनाइजिंग प्रिंसिपल है एक इंटेंट टू इन्वेस्ट लॉ विथ फेयरनेस। जो भी कोई भी एम्प्लॉई है या कोई भी पर्सन है उसके साथ एक नेचुरल जस्टिस है, मतलब जो प्राकृतिक न्याय है वो होना चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए प्रॉपरली और उसको फेयर डिसीज़न मिलना चाहिए। तो यही इस स्टेटमेंट में कहा गया। और नेचुरल जस्टिस क्या है, नेचुरल जस्टिस और प्रोसीजरल फेयरनेस कंप्राइजेस थ्री कंपोनेंट्स। नेचुरल जस्टिस जो वर्ड है वो तीन टाइप के कंपोनेंट से मिलके बना है। द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ट, कोई भी व्यक्ति है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, उसको कोई भी, अगर कोई भी हमने डिसीज़न देना है तो उससे पहले उसकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। देयर मस्ट बी नो बायस, बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड द डिसीज़न मस्ट हैव सम बेसिस इन फैक्ट और रीजनिंग, और जो भी डिसीज़न लिया गया है वो फैक्ट एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो नेचुरल जस्टिस यही है, इसके थ्री मेन ये कंपोनेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कौन से रूल्स हैं। नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, कोई भी अपने खुद में अपना जज नहीं बन सकता है। नो डिसीजन शैल बी गिवन अगेंस्ट अ पार्टी विदाउट अफोर्डिंग हिम अ रीजनेबल हियरिंग, कोई भी डिसीजन नहीं देना चाहिए किसी भी पार्टी के अगेंस्ट विदाउट उसको सुनवाई, उसकी सुनवाई के बगैर ही डिसीजन नहीं देना चाहिए। क्वासी जुडिशियल इंक्वायरीज मस्ट बी हेल्ड इन गुड फेथ विदाउट बायस, नॉट आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबली, कोई भी अगर इंक्वायरी हो रही है तो वो एक गुड फेथ में होनी चाहिए, मीन्स उस पर एक फेथ होना चाहिए कि हाँ उसमें कोई बायसनेस नहीं है या फिर कोई अनरीजनेबल उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तुम्हारा आंसर क्या है, डी, 1, 2, 3, ये तीनों प्रिंसिपल सही हैं। कोई भी अपने खुद का जज नहीं बन सकता, अपना खुद स्वयं क्या कहते हैं हम ही जज हैं और हम ही कोर्ट हैं, हम ही सब हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो डिसीजन शैल बी गिवन अगेंस्ट अ पार्टी विदाउट अफोर्डिंग हिम और रीजनेबल हियरिंग, कोई भी पार्टी के खिलाफ हमें बिना सुनवाई के डिसीज़न नहीं देना है, और कोई भी इंक्वायरी हुई है तो वो गुड फेथ में होनी चाहिए विदाउट बायसनेस एंड नॉट अनरीजनेबली, उसमें कोई अनरीजनेबल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग
द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इज़ वॉइड अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसमें से आपको बताना है कि ट्रेड यूनियन एक्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ, ट्रेड यूनियन इज़ वॉइड, वॉइड मानी जाएगी। आंसर है सी, 1, 2, 3, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट और कंपनीज एक्ट, ये तीनों अलग अलग एक्ट हैं। अगर ये तीनों एक्ट किसी पे एप्लीकेबल हो रहे हैं तो वहाँ पे ये ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। उन जो ट्रेड यूनियंस का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, वो उसको वॉइड माना जाएगा, खाली माना जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एग्रीगेट फाइन प्रोवाइडेड इन द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फॉर कंटिन्यूस फेलर बाई अ ट्रेड यूनियन टू सबमिट रिटर्न्स अंडर द एक्ट। अगर कोई ट्रेड यूनियन है वो कंटिन्यूस फेल हो जाती है अपना रिटर्न सबमिट करने में, तो कितना फ़ाइन लगेगा उस पर, ₹50 का फाइन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस द जनरल फंड ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में नॉट बी स्पेंट। जो ट्रेड यूनियन एक जनरल फंड जो बनाती है वो कहाँ पे खर्च नहीं कर सकती है, ये आपको बताना है। द कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन और एनी ऑफ इट्स मेम्बर। अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट है ट्रेड यूनियन के बिहाफ पे या उसके किसी मेम्बर्स के बिहाफ पे, तो वहाँ पे वो खर्च कर सकती है। द कंपनसेशन ऑफ मेम्बर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ए ट्रेड डिस्प्यूट। अगर कोई भी लॉस हुआ है ट्रेड डिस्प्यूट की वजह से, तो जो कंपनसेशन है वहाँ पे वो खर्च कर सकती है। मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लोकल अथॉरिटी, तो इस केस में वो खर्च नहीं कर सकती है। अलाउंसेस टू मेंबर्स और देयर डिपेंडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस और अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे खर्च कर सकती है। हमारा आंसर क्या है, सी, ठीक है। इस स्टेटमेंट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। किस केस में रजिस्ट्रेशन जो कैंसिलेशन है ट्रेड यूनियन, कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो उसका कैंसिलेशन किस केस में नहीं होता है, मतलब उसके लिए ये ग्राउंड नहीं माना जाएगा, उसकी वजह नहीं मानी जाएगी, ये आपको बताना है। अब ए है, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेंड बाय फ्रॉड। अगर फ्रॉड से कोई भी रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। द ट्रेड यूनियन हैज़ कॉन्ट्रावीन द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। अगर कोई ट्रेड यूनियन कॉन्ट्रावीन करती है, उल्लंघन करती है, तो उस केस में भी कैंसिल हो जाएगा। द जनरल बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन हैज़ शोन नो कॉन्फिडेंस इन ऑफिस बियरर्स। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड बाय द ट्रेड यूनियन फॉर कैंसिलेशन ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। तो अगर एप्लीकेशन ही दी हुई है ट्रेड यूनियन ने तो वो तो हो ही जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट विथ विच इट इज़ कनेक्टेड। कितने मेंबर्स हमें चाहिए होते हैं किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने के लिए, ये आंसर तो मुझे लगता है सभी को आता होगा। बी, 10% या फिर 100 ऑफ द वर्कर्स, विच एवर इज लेस, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 7, ठीक है। 10% मेंबर होने चाहिए अगर, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ठीक है।
मिनिमम 10% अगर वर्कर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 1,000 का 10%, मतलब अगर 10%, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 100 वर्कर्स। अगर 10% 100 से ज़्यादा है तो हम कितना लेंगे, सिर्फ 100 ही लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 100 ही हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 7, ठीक है। तो मिनिमम 7, मैक्सिमम 100 और परसेंटेज में 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशंस अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन के केस में कौन सी गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है, ये आपको बताना है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है तो उसके लिए कौन एम्पावर्ड है, बोथ। अगर एग्ज़ाम्स में आ जाए कि स्टेट या फिर सेंट्रल या फिर बोथ या फिर रजिस्ट्रार, तो आपको क्या कहना है, बोथ। स्टेट और सेंट्रल दोनों ही ट्रेड यूनियन के केस में रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रेड यूनियंस। ये ट्रेड यूनियंस हैं, आपको बताना है कि ये कब बनी थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन सी बनी थी, AITUC, उसके बाद बनी है INTUC, उसके बाद आई है HMS, फिर BMS और फिर सेटो। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है, सी, 2, 3, 4, 5, 1। अब हम इनके ईयर्स देखते हैं, ये कब बनी थी। AITUC कब बनी थी, 1920 में। INTUC 1947 में। HMS कब बनी थी, 1948 में। BMS 1955 में। और C2 1970 में। ये सारे ही ईयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपको याद रखने हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय NM लोखंडे। NM लोखंडे ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, कौन सा, दीन बंधु। NM लोखंडे वॉज द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। कौन थे फादर, NM लोखंडे। लोखंडे स्टार्टेड द फर्स्ट लेबर एसोसिएशन इन इंडिया, कौन सा, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, द सेकेंड इंटरनेशनल विच ग्रू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट फिलोसफी ड्यूरिंग 1889-1916 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी सेकेंड इंटरनेशनल, पेरिस में, ठीक है। कहाँ हुई थी, पेरिस में। लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ओरिजिनली फॉर्म टू गिव इंडियन रिप्रेजेंटेशन टू ILO। किसने दी थी, मतलब इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन जो बॉडी बनी थी पहली ILO में, वो कौन थी, AITUC। ILO कब बना था, 1919 में। और AITUC कब बनी थी, 1920 में, ठीक है। मद्रास लेबर यूनियन कब बनी थी, 1918 में, ठीक है। किसकी लीडरशिप में बनी थी ये, BP वाडिया, VP वाडिया। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन कब बनी थी, 1920 में। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी 1920 में ही बनी थी। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन कब बनी थी, 1890 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, NM लोखंडे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में लाएंगे।
विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।